हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष मालविया स्वागत करता हूं नीतेश मोटर बॉडी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी की स्विफ्ट VDI की, जिसको हम करने वाले हैं कम्प्लीटली रीस्टोर। अगर गाड़ी को हम देखें तो गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा रस्टिंग है, सो गाड़ी कम्प्लीटली रीस्टोर होने वाली है। सो वीडियो में एंड तक बने रहे, और चैनल पर नया है तो नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब का दिख रहा है उसे दबा दें, और पास में जो घंटी है उसे भी दबा दें, ताकि हमारा आने वाला हर एक नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। सो दोस्तों, सबसे पहले हम गाड़ी को देखेंगे, गाड़ी का प्रीव्यू करेंगे कि गाड़ी कैसी है, क्या कंडीशन है गाड़ी की। तो चलिए सबसे पहले हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और गाड़ी को देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा रस्टिंग है। आगे के एरिया से लेकर पीछे के बम्पर तक गाड़ी में रस्टिंग ही रस्टिंग है। साइड के चारों डोर में काफ़ी हद तक पेच वाली डेंटिंग मिल रही है, और गलावट काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों गाड़ी में। तो दोस्तों, हम गाड़ी को एक बार पूरा कम्प्लीटली देख लेते हैं, उसके बाद हम गाड़ी को इसके वर्क स्टेशन पर लगाएंगे, जहाँ पर हम गाड़ी का काम शुरू करेंगे। सो दोस्तों, अब हमारी गाड़ी लग चुकी है काम के लिए वर्कशॉप में। सो सबसे पहले हम इसकी धीरे धीरे करके सारी फिटिंग को स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे, उसके बाद हम गाड़ी में काम को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए सबसे पहले गाड़ी की फिटिंग को खोलते हैं। जब तक गाड़ी की फिटिंग खुल रही है, तब तक मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी दे देता हूं। अगर आपके पास भी अपनी एक ब्रांड न्यू कार या ओल्ड कार है जिसको अभी तक आपने मेंटेन रखा है, तो उसको लाइफ टाइम के लिए मेंटेन रखने के लिए आपको उसे कम से कम वॉश करना है, जिससे रस्टिंग कम आएगी। और अगर आप किसी वॉशिंग सेंटर पर उसे वॉश भी करवा रहे हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ पर खारा पानी ना हो, क्योंकि खारे पानी से बहुत ही तेज़ी से गाड़ी में रस्टिंग आती है। आपको एक चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, एक तो कम वॉश करनी है गाड़ी को, अगर वॉश भी आप करने के शौकीन हो, गाड़ी को बार बार वॉश करवाते हो, तो आपको गाड़ी है ना खारे पानी से नहीं धोनी, आपको गाड़ी को कम से कम वॉश करवाना, और मीठा पानी ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी वॉश करने में मीठे पानी का यूज़ करें। हमने फेंडर को खोला, तो आप देख सकते हो फेंडर को खोलने के बाद अंदर की तरफ ये मिला, बिल्कुल एकदम सड़ा गड़ा पिलर, पूरा फाटक का जो मेन पिलर आता है वो पूरा सड़ गया, आप देख सकते हो अंदर की तरफ से, तो इसको भी हमें रिपेयर करना पड़ेगा। और ये चीज़ कस्टमर ने हमें नहीं बताई थी, और ये गाड़ी के खोलने के बाद ही पता चलती है। सो हमने काम लिया है, तो इसको पूरा करना ही पड़ेगा।
तो दोस्तों अब हम गाड़ी का रनिंग बोर्ड चेंज करने वाले हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, पुराने रनिंग बोर्ड को हम तोड़ेंगे, उसके बाद गाड़ी में नया रनिंग बोर्ड इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों गाड़ी में अब हम धीरे धीरे डेंटिंग को निकालेंगे, सारी जो डोरों की डेंटिंग है उसको भी निकालेंगे और कम्प्लीटली गाड़ी को जो डेंट का काम है उसे फाइनल करेंगे। जहाँ भी पीस बन के लगाने हैं वो पीस लगाएंगे और उसके बाद फिर कलर का भी काम शुरू होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब हमारी गाड़ी में सब कुछ डेंट वेंट निकल चुका है, तो अब हम गाड़ी को कलर के काम के लिए लगाएंगे, तो अब हमारी गाड़ी में कलर का काम शुरू होगा। तो अब सबसे पहले हम गाड़ी में पुट्टी को फिलअप करेंगे। कलर का जो काम है पूरा बेसवर्क का काम होगा, जिसमें हम पुट्टी को फिलअप करेंगे और उसके बाद आगे कलर का काम शुरू करेंगे। लगभग हमारी गाड़ी में पुट्टी काफ़ी हद तक गाड़ी में लग चुकी है। सो अब हम गाड़ी में
करने वाले हैं। गाड़ी का फाइनल कलर और बाकी बेस वर्क का काम हो चुका है, वो मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाया, थोड़ा स्किप हो गया। तो गाड़ी में बेस वर्क का काम हो गया है, अब हम गाड़ी में करने जा रहे हैं गाड़ी का फाइनल कलर। तो यहाँ आप देख सकते हो गाड़ी का फाइनल कलर हो रहा है, और फाइनल कलर के बाद गाड़ी पर कलर के बाद क्लियर कोट लगेगा और उसके बाद गाड़ी में फाइनल रबिंग होगी। सो दोस्तों, हमारी जो स्विफ्ट वीडियो आई थी उसमें फ्रंट बम्पर लग रहा है, पेंटिंग का काम कंप्लीट हो गया है, डिटेलिंग का काम बचा है, पॉलिश का काम बचा है, आगे की हेडलाइट वगैरह सारी फिटिंग हम फिटिंग कर रहे हैं। देख सकते हो आप, हेडलाइट नहीं हो गाड़ी में, दोनों हेडलाइट डाली जा चुकी है गाड़ी में। सो आप देख सकते हो पीछे की टेल लाइट बम्पर वगैरह हमने सारे फिटिंग कर दी है गाड़ी में, और अब हम गाड़ी में आगे की फिटिंग कर रहे हैं, और कुछ कुछ गाड़ी में मैकेनिक काम भी हो रहा है हमारे यहाँ पर। सो बम्पर की फिटिंग होने के बाद हम इस गाड़ी में इस बम्पर को लगाएंगे। अब बारी आती है गाड़ी में रबिंग की, सब कुछ काम सब कुछ फिटिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम करेंगे गाड़ी में फाइनली रबिंग। रबिंग में दोस्तों फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप दोनों होंगे, सो आप देखना वीडियो में कैसी क्या पॉलिश का काम हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। हमारी गाड़ी में रबिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम गाड़ी को देखेंगे गाड़ी के फाइनल शॉट्स। तो कस्टमर आ चुके हैं गाड़ी की डिलीवरी लेने, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे गाड़ी के फाइनल शॉट्स। तो चलिए फाइनल में गाड़ी को देख लेते हैं, और फाइनल वीडियो देखने से पहले मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना और प्यारा सा कमेंट करना हमारे काम के लिए, और वीडियो को एक एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए देखते हैं गाड़ी के फाइनल शॉट्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलता हूँ किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।